हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIVE एग्ज़ाम के बारे में कि आपको कोई स्पेशल कोचिंग लेनी होती है या फिर जो आपने अपनी लॉ की स्टडी करते टाइम पढ़ा था उसमें से आपके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्ज़ाम में कि नहीं। तो ये चीज़ हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इज़ द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गोइंग टू बी टेस्टिंग और न्यू एरियाज और व्हाट आई हैव लर्न इन द लॉ स्कूल, डू लॉ स्टूडेंट नीड टू टेक कोचिंग क्लासेस फॉर द सेम। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए और डाउट भी होता है जो न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं AIVE एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो अलग अलग एरिया से टेस्ट करता है या फिर जो हमने अपने लॉ स्कूल में पढ़ा है वहीं से जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चंस पुट करता है या फिर हमें कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, डाउट जो है आप लोगों का क्लियर होने वाला है। द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कवर्स द सेम सब्जेक्ट्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एलएलबी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के वो सेम रहेंगे जो आपने BA LLB या फिर LLB की डिग्री करते टाइम आपने रीड किए हैं, आपने स्टडी किए हैं, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, वही सेम सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों के टोटल मिला के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में उन्हीं से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एट द लॉ स्कूल्स इन इंडिया एज सेट आउट अंडर शेड्यूल फर्स्ट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। शुरू वहीं से आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जो आपने अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाई होते हैं कोई अलग नहीं पूछा जाता है आपसे। दीज आर ऑल एरियाज कवर्ड ड्यूरिंग द लॉ स्टूडेंट लीगल एजुकेशन। फर्दर द एम्फेसिस इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज ऑन रीजनिंग एंड एनालिसिस नॉट एबिलिटी टू मेमोराइज लार्ज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड विल बी टेस्टेड यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें से आप लोगों। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का नॉलेज चेक करने के लिए दिया लिया जाता है कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है और कितना आपने अपनी लॉ की स्टडी करते टाइम यानी कि जो आपने प्रोग्राम किया है अपना LLB या फिर BA LLB की डिग्री कंप्लीट किया उसमें आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको नॉलेज हुई है अपने लॉ से रिलेटेड, इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से रिलेटेड जिस फील्ड में आप हो, वो चीज़ टेस्ट की जाती है आप लोगों के इस AIVE एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। द प्रिपरेशनरी मटेरियल दैट विल बी सेंट टू एवरी एडवोकेट विल सर्व एज गाइड प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कवर ऑल द अबव एरिया सो दैट एडवोकेट्स कैन ऑल्सो रिवाइज व्हाट दे हैव लर्न एट बिगनिंग ऑफ देयर लॉ स्कूल कैरियर। तो आप लोगों के पास जो मटेरियल होता है उससे आप रीड कीजिए और जो आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले भी आप लोगों को मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो लॉ की डिग्री है वो कंप्लीट हो गई है और आपने जो है अपना स्टडी करना बंद कर दिया, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जब आप AIVE एग्ज़ाम दोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का यही था कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, जितने भी सब्जेक्ट्स जो भी आपने अपने मतलब लॉ की डिग्री करते टाइम LLB BA LLB करते टाइम पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं आई थिंक AIVE एग्ज़ाम के लिए, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें आप लोगों के उन्हीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं, ज़रूरी नहीं, हाँ ऑथर अलग अलग हो सकते हैं बट सब्जेक्ट सेम। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी एग्ज़ाम के लिए जिससे आप लोग जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को। ठीक है, और जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी AIVE 17 की तो आप लोगों को एक अलग से सेपरेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलग से वीडियो मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट करवा देंगे जब भी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। तो गाइज, होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।